आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। कोविड के लंबे अंतराल के बाद जब सब कुछ सामान्य सा दिख रहा है तो टैलेंट को भी बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है। पूर्णिया में पनोरमा ग्रुप की ओर से बिहार भर के कलाकारों के लिए टैलेंट को निखारने का नया मौका दिया जा रहा है। आगामी 29, 30 और 31 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसे लेकर पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 29, 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले पनोरमा स्टार सीजन 4 कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पनोरमा ग्रुप पिछले 4 वर्षों से कोसी सीमांचल सहित पूर्णिया के होनहार बच्चों के लिए पनोरमा स्टार कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहा है, जो इस बार भी होगा, जिसमें 5 से 6 विधाओं में कार्यक्रम का आयोजन होना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग रखा गया है। इसके अलावा इस वर्ष ड्रामा भी इस विधाओं में जोड़ा गया है। साथ ही साथ खेलकूद को भी एक नया आयाम देने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता भी रखी गई है। विस्तार से सुनिए प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा से क्या है इस कार्यक्रम की रूपरेखा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग न्यूज़ ब्रीफ के लिए आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का आमंत्रित किया गया था। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हर साल के भांति, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग धनतेरस मेला के समय में, जो धनतेरस से 3-4 दिन पहले कम्प्लीट होता है, पनोरमा स्टार सीजन 4 है हम लोग का। इस बार पिछले 4 साल से हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आशा उम्मीद है कि आगे भी हम लोग करते रहें। ये कार्यक्रम कराने का हमारा खास मकसद है, उद्देश्य है कि हमारे कोसी सीमांचल का, इस बार तो हम लोग बेहद रूप से कर रहे हैं, पूरे बिहार वासी को बुला रहे हैं, पूरा जो मेरा टारगेटेड एरिया है पूरा बिहार है। लेकिन पिछले 4 साल जो हम कार्यक्रम किए हैं, 3 साल, बीच में एक साल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कोविड लेकर के, लेकिन फिर भी हम लोग जो भी हो पाया पूर्णिया लेवल पे किए थे उसको। तो इस बार का है कि हम लोग पूरे बिहार के बच्चे आएंगे इसमें, और इस बार हम लोग विधा भी बढ़ा दिए, वो डिटेल में हम लोग ब्रीफ करेंगे आपकी। तो इस कार्यक्रम का खास मकसद होता है जो हमारे कोसी सीमांचल या बिहार के जो बच्चे हैं उसको लोग जाने, उसके हुनर को परखें, उनके अंदर जो गायन, नृत्य और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स का भी हम लोग इस बार ऐड किए हैं, ड्रामा ऐड किए हैं और रैंप शो भी हमने किया है बच्चों को, कि रैंप शो करने का भी मौका मिलेगा इस बार। तो टोटल हमारा जैसे पहले 4 विधा था, इस बार हम लोग का 6 विधा है। तो हमारे क्षेत्र के बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इनको बड़े सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, यही हमारा उद्देश्य रहा है, जिसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिल रहा है। ये हमारे बच्चे, कटिहार के भी बहुत बच्चियां हैं, बच्चे हैं, भागलपुर के हैं, जिनको नहीं जानता था कोई, लेकिन अच्छे टैलेंट थे उनके अंदर। जब वो हमारे शो पे आए, आप लोगों के माध्यम से लोगों ने जाना, जैसे एक नाम लेना उचित नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मानव झा और श्वेता, ये लोग को ना सिर्फ जिला में या अंचल में लोग जानते थे, लेकिन जब आप लोगों ने उनको कवरेज किया और आप लोगों के माध्यम से पूरा बिहार जाना और आज बेली डांसर के रूप में फेमस हो गए हैं और सारे न्यूज़ चैनल ने उनको कवरेज मिला। अभी मानव झा को पहले सिर्फ यहाँ पनोरमा स्टार सीजन 1 या 2 में वो क्वालिफाई किए थे, नंबर 1 रैंक आया था, मुझे लग रहा सीजन 1 में ही आए थे। धीरे 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 आप लोगों के माध्यम से पूरा बिहार जानने लगा। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा, जो हमारे यहाँ के बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको जो हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, और ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है कि ये मैसेज आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंच पाए कि हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें क्या क्या विधाएं हैं, और हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, वो डिटेल में आपको बताएंगे। 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को ये कार्यक्रम रखा गया है। स्पोर्ट्स में चूँकि समय लंबा लगता है, 7-10 दिन का टाइम लगता है, वो हरिओम झा जी हैं हमारे साथ, वो बताएंगे आपको, और बाटू दादी है वो ड्रामा के बारे में बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि 30 और 31 को ये कार्यक्रम होगा, जिसमें टोटल 6 विधाएं हैं। पहला म्यूजिक जो पहले भी था, डांस, ड्राइंग, ये तीनों विधा में जो एज लिमिट है वो 14 से 26 है। तो लड़के हो लड़कियां हो 14 साल से 26 साल का एज होना चाहिए म्यूजिक में, डांस में और ड्राइंग में।
उसके बाद चौथा जो है ड्रामा, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। फिफ्थ है स्पोर्ट्स, इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। सिक्स्थ है आपका रैंप शो, इसमें भी 18 से। मिसेज बिहार, इनका नाम रखा गया है, हमारे सुनील भाई ने रखा है, इसका रैंप शो होगा और इसमें भी जो एज है 18 से 26। ये तीन दिन का कार्यक्रम है और हर एक विधा में जो आपका जैसे म्यूजिक है तो उसमें 3 प्राइज मिलेगा, फिर डांस है उसमें फिर 3 प्राइज मिलेगा, मतलब हर एक विधा के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज रखा गया। प्राइज भी हम लोग पहले शुरुआत में कम किए, दूसरे साल बढ़ाए, तीसरे साल और बढ़ाए, इस बार हमने और उसको बढ़ाया, मतलब हर साल हम लोग प्राइज कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं। और हर एक विधा के लिए हम लोग जो पहला प्राइज है, फर्स्ट प्राइज 101,000 का नगद इनाम है, नगद मतलब चेक से दिया जाएगा। सेकेंड प्राइज 51,000 रुपये का है और थर्ड प्राइज 25,000 रुपये का नगद इनाम है बच्चों के लिए। ये आपको हर विधा में, जैसे म्यूजिक में 3 मतलब 18 हो गए, 6 विधा है तो 3 प्राइज 18 बच्चों को प्राइज मिलेगा। उसके अलावा 60 बच्चों को हम लोग पारितोषित करेंगे, हर एक विधा में 10-10 बच्चे को जो 1-10 में आते हैं, इससे वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अलावा, तो ऐसे देखें आप टोटल तो हर एक विधा में 13 बच्चों को पारितोषिक मिलेगा और प्राइज मिलेगा। तो 13 × 6 कर दीजिए, इतने बच्चों को हम लोग प्राइज देंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है बच्चों को। उसके बाद इसमें हमारे जो जजेज हैं, क्योंकि लोकल क्या होता है, लोग कहीं सोच रहा है कि किसी बच्चे को मन में लगता है कि नहीं यहाँ मैनिपुलेट हो रहा है, तो हम लोग जज भी इस बार बाहर से बुला रहे हैं। इसमें बहुत सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, जिसमें से हमारा जो कुछ गेस्ट फाइनल हुए हैं, जिसमें राजपाल यादव जी हैं, उनका 31 तारीख को आना है और 31 अक्टूबर को वो जज के रूप में आ रहे हैं। जो फाइनलिस्ट में बच्चे आएंगे उनके हाथ से उनको बच्चों को प्राइज मिलेगा। और भी कुछ सेलिब्रिटी है जिनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं फाइनल हो पाया तो उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। और भी बड़े बड़े स्टार हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि उनके सामने हमारे बच्चे परफॉर्म करें। जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, करना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार के बच्चे आ रहे हैं, वो अपना 2 मिनट का वीडियो बना करके, एक टोल फ्री नंबर है 7549-00057, मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ आपको, 7549-00057 पे अपना 2 मिनट का वीडियो बना करके इस पर व्हाट्सअप करें, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके पास कॉल चला जाएगा जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये नंबर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7549-00057, इस पर अपना, जैसे नाटक है तो 2 मिनट का वीडियो बनाइए, 3 मिनट का, जो सिंगिंग है, ड्राइंग है, ड्राइंग बना करके वीडियो बना करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपका शॉर्ट लिस्ट करके यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कॉल कर लिया जाए। दिन है, अच्छा लगा। और सबसे पहले मिश्रा साहब के बारे में एक पहले बता दें आपको कि हम लोग स्पोर्ट्स से सोच रखते हैं, तो इन्होंने एक प्रपोजल दिया रखा है ग्रीन ई होम में, वहाँ पर सारा चीज़ है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट के प्रैक्टिस पिच है, इवन क्या आउटडोर जिम भी है और चिल्ड्रेन पार्क भी है और खूबसूरत ग्रास भी है, जो पूर्णिया इस क्षेत्र में देखने को कभी नहीं मिलता था और ना मिला है। ये मिश्रा साहब का देन है जिन्होंने एक ही कैंपस में स्पोर्ट्स का सारा इंतजाम उन्होंने किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं मिश्रा साहब। और जब इनका प्रपोजल आया कि एक कोरोना स्टार के हर साल के माफी इस बार भी कुछ करना चाहते हैं जिसमें स्पोर्ट्स को भी जोड़ना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगा कि कोरोना काल में 18 महीने में बच्चे ने खेल से दूर, मैदान से दूर और केवल घर में रहे, इसी के बहाने तमाम स्कूल के बच्चे कम से कम मैदान तक पहुँचेंगे और ई होम में जो बनाया गया खूबसूरत सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको भी देख सकेंगे, उसके भी आनंद ले सकेंगे। इसी उद्देश्य के हिसाब से हम स्कूल लेवल पर जितने प्रतियोगिता हो सकते हैं, अभी 3 प्रतियोगिता का हमने चयन किए हैं और भी सारे स्कूल के कॉन्टेक्ट करेंगे, हो सकता है उसमें 1-2 विधा और बढ़ जाए। ये बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन में भी 2 रखे हैं हम लोग, एक रखे हैं ओपन टू ऑल, एक स्कूल गेम रखे हैं, तो ओपन टू ऑल का रजिस्ट्रेशन जितना होगा उसको देखने के बाद फिर उसके ऊपर आगे प्रक्रिया हम लोग बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है सब बच्चों का ये निःशुल्क रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगना है। इसमें फर्स्ट प्राइज़ है 31,000 रुपये का, सेकेंड है 20,000 रुपये का, थर्ड है 10,000 रुपये का, फोर्थ पोजिशन जो आएंगे उनको 5,000 रुपये मिलेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है और हम लोग इसको 20 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, 31 अक्टूबर का सब समापन करेंगे हम लोग।
इससे संबंधित कुछ बात है स्पोर्ट्स से, इसमें किस किस टाइप का गेम्स रहेगा? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये स्कूल लेवल का गेम है। और बैडमिंटन में हम लोग रखेंगे जैसे कि बहुत सारे सेक्शन हैं, डॉक्टर्स एलेवेंस हैं, मीडिया एलेवेंस हैं, व्यवसायी एलेवेंस हैं और एडवोकेट एलेवन है, सबका उन लोग बात करने के बाद उन लोग में भी टीम यदि बन जाती है, उन लोग भी पार्टिसिपेट करने इच्छुक रहेंगे, उन लोग के भी मैच कराएंगे हम लोग। अच्छा, ये सिर्फ पूर्णिया के लोग होंगे या पूरे बिहार से आप टीम? ये पूर्णिया के ही होंगे, अभी स्कूल गेम में केवल पूर्णिया के तमाम सरकारी गैर सरकारी विद्यालय के बच्चे ही भाग लेंगे। अच्छा, आपने ओपन टू ऑल जो विधा रखी है उसमें क्या बाहर के लोग भाग ले सकते हैं? नहीं, पूर्णिया के ही लोग रहेंगे।